पतले पोहे का चिवड़ा अमूमन हर भारतीय के घर में बनता ही होगा, क्योंकि यह एक ऐसी लो कैलोरी वाली डिश है जो खाने में तो बहुत टेस्टी लगती ही है, इसे बनाकर आप काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। चाय के साथ आप इसका आनंद तो ले ही सकते हैं। आपके घर में अचानक कोई आ जाए तो उन्हें सर्व करने के लिए भी एक परफेक्ट डिश है। इस हेल्दी चिवड़े को बनाना बहुत ही आसान है, परंतु काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि यह उतना परफेक्ट नहीं बन पाता, या तो उसे बघार लगाते समय तेल में डालते ही वह एकदम सिकुड़ जाता है और उसका क्रिस्पीनेस चला जाता है। इन सब बातों से बचने के लिए कुछ टिप्स हैं जिसे फॉलो करके आप एकदम परफेक्ट क्रिस्प चिवड़ा पा सकते हैं। पहली बात, आप पोहा एकदम पतला वाला यूज़ करें जिससे चिवड़ा क्रिस्प बनेगा। यहाँ मैंने आधा किलो पतला पोहा यूज़ किया है। दूसरी बात, पोहे को चिवड़ा बनाने के पहले कुछ घंटों के लिए कड़ी धूप में ज़रूर रख दें, इससे उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा। जिनके घरों में तेज़ धूप नहीं आती वे इसे माइक्रोवेव में ग्रिल मोड पर मीडियम स्टैंड पर रख कर 2 मिनट के लिए ग्रिल कर सकते हैं। 2 मिनट ग्रिल होने के बाद इसे एक बार बाहर निकाल कर अच्छी तरह से हिला लें और उसके पश्चात पुनः 1 मिनट के लिए ग्रिल कर लें। ऐसा करने से इसके अंदर का मॉइस्चर उड़ जाता है और हमें पोहा एकदम ड्राई मिलता है। पोहे के अलावा हमें चाहिए 1 कटोरी मूंगफली के दाने, 3/4 कटोरी भुनी हुई चना दाल जिसे आप डाड़ो या फुटाने के नाम से भी जानते हैं, साथ में 4-5 लाल मिर्च, कुछ कड़ी पत्ते, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सफ़ेद तिल्ली, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा हमें लगेगा 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर। इसके अलावा सूखे हुए नारियल के गोले की पतली पतली चिप्स काट कर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून शुद्ध घी पिघलाएं। हमें इसे गर्म नहीं करना है, सिर्फ पिघलाना है। फिर उसमें डालें हमने धूप में सुखा कर रखे हुए पोहे और इसे हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते हुए धीमी आंच पर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। हल्के हाथों से हिलाएं ताकि पोहे टूटने ना पाए। 3-4 मिनट बाद आप देखेंगे पोहे अच्छी तरह से भून चुके हैं। जब इनका रंग इस तरह से दिखने लगे तब इन्हें निकाल कर एक अलग छन्ने में रख दें। अब उसी बड़ी कढ़ाई में करीबन 4 से 5 बड़े चम्मच तेल गर्म करें। तेल गर्म होते ही उसमें डालें राई, जीरा, तिल्ली, कड़ी पत्ता और लाल सूखी हुई मिर्च और दाने। मूंगफली के दाने हमने कच्चे लिए हैं इसलिए इन्हें पहले डालकर अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है। जब मूंगफली अच्छे से भुन जाए तब इसमें डालें भुनी हुई चना दाल। चूँकि चना दाल पहले से भुनी हुई है इसलिए इसे भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर इसमें डालें हमने निकाल कर रखे हुए मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। नमक की मात्रा इसमें थोड़ी सी कम लगती है बाकी सब्जियों में हम जिस तरह से नमक डालते हैं उसकी अपेक्षा। इन सबको अच्छे से मिलाकर फिर डालें भून कर रखे हुए पोहे। इसे भी अब हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से मिक्स करें। ध्यान रहे पोहे टूटने ना पाए। इसे करीबन 2 से 3 मिनट तक धीमी आँच पर ही अच्छी तरह से चलाते हुए भूनते रहें ताकि सारा मसाला पोहे को अच्छी तरह से लग जाए। इसके पश्चात गैस को बंद कर दीजिए और फिर डालिए पीसी हुई शक्कर। ध्यान रहे शक्कर को हमें गैस बंद करने के बाद ही डालना है, अन्यथा शक्कर कैरामलाइज हो जाएगी और पोहे का क्रिस्पीनेस चला जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। यह तैयार है चिवड़ा। आप इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकती हैं। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।